गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। जो रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस होता है उनकी ग्रुपिंग करनी है बेटा। कई बार हमारे पास रजिस्टर्स जो दिए होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है उससे कोई और उसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे हमने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की थी वैसे बेटा दो टाइप की ग्रुपिंग होती है, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल। तो पहले अपने रेजिस्टर्स इन सीरीज या रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस को हम कब सीरीज में बोलेंगे बेटा, अगर उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है। जब भी हम कोई दो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन में और जितने भी रेजिस्टेंस उनमें सेम करंट फ्लो करे तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, हम सीरीज में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते जैसे हम वहां कैपेसिटर में डिफाइन करते कि अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जाना हो तो हम एक ही पाथ को फॉलो करते हो जाएंगे। इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन पाथ वन एंड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सिंगल पाथ तो उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वैसे बेटा तो रजिस्टर्स आर सेट टू बी, जो भी रजिस्टर रजिस्टर मतलब जो मटेरियल है उनका रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर्स व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो यहां पर ये जो ये है ये तीन रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज मतलब एक इस ए से बी तक जाने तो एक ही पाथ को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक। और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैटरी E। ये बैटरी E है, इसके कारण इन दो एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा V। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मान लो कितना करंट जा रहा है सर्किट में I। जब यहां से बेटा चार्ज फ्लो करते समय क्या होगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा मतलब सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू और ईच रेजिस्टेंसेस या ईच रेजिस्टर्स। अब बेटा जब करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है यहां पर, ये आर वन है, आर टू और आर थ्री। तो हमें पता है बेटा जो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अब करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है तो जो आर वन होगा तो करंट सेम, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अप्रॉक्स अक्रॉस आर वन, वी आई मतलब आई इंटू आर वन उसको वी वन मान लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन कितना आएगा बेटा, उसको वी वन मान लेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू आएगा वही आएगा आई आर टू, तो उसको वी टू मान लेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर थ्री कितना मान लेंगे बेटा, उसको वी थ्री। लेट वी वन वी टू एंड वी थ्री बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन आर टू एंड आर थ्री। क्यों, क्योंकि सेम नहीं होगा ना बेटा। आर वन में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस आर वन है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई इंटू आर वन। करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। आई आर वन इसमें, आर टू में आई आर टू और वी थ्री में आई आर थ्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी वन कितना आ जाएगा बेटा, आई आर वन, वी टू आई आर टू, वी थ्री आई आर थ्री। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी, वी क्या आएगा हमारे पास, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो वी कितना आएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, और वी वन कितना है आई आर वन, वी टू आई आर टू, वी थ्री आई आर थ्री। आई कॉमन आ जाएगा बेटा क्योंकि सेम है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आई, ये आ गया, इसको वन मान लेंगे बेटा। अब बेटा तीन ये जो तीन रेजिस्टेंस इनका कोई ना कोई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा वो मान लिया बेटा हमने कितना, आर एस। ये इन तीनों का इफेक्ट कितना मान लिया टोटल, आर एस। इफ आर एस, आर एस को क्या मान लिया हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ये जो आर एस है ये तीनों का टोटली इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अगर हम सेम वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस आर के आर एस के अक्रॉस तो करंट कितना फ्लो करना चाहिए इसमें से, आई। तभी तो टोटल क्या बोलते हैं, तभी तो इन दो तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट होगा ये। क्योंकि अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, आई। तो ये आर एस क्या माना है, तीनों का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस माना है। तो अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस दिस आर एस, ठीक है, तो आई करंट फ्लो करना चाहिए। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर एस। अभी तो वी इज इक्वल टू आई आर एस, तो वी की वैल्यू यहां पुट कर दो फ्रॉम वन एंड टू, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन वन कितना बेटा, आई आर एस, और ये क्या, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आई से आई क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, आर एस कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आएगा बेटा टोटल रेजिस्टेंस, मतलब
जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, उन सभी का सम आएगा। अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये मान लो 5 ओहम है, ये 10 ओहम है और ये 15 ओहम है, सपोज करो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? वही आएगा, कितना आएगा बेटा, R1 + R2 + R3, 5 + 10 + 15 कितना हो जाएगा बेटा, 30 ओहम। तो RS कितना दे, टोटल रेजिस्टेंस 30, मतलब जो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इन सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, मतलब 5 से भी बड़ा होगा, 10 से भी, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब जोड़ते हैं, जब हमें बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, जो ठीक है जो हमारे पास गिवन रेजिस्टर्स हैं उनसे भी ज्यादा चाहिए होता है, तो हम क्या जोड़ते हैं बेटा, उनको सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो सीरीज में कब जो देखो सीरीज में क्या होता है, मतलब रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोस थ्रू द कॉम्बिनेशन या अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हियर इन द डायग्राम R1 R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैटरी E। ठीक है, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स, सिंस करंट इज सेम देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, लेट V1 V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वही आ जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1 V2 IR2 V3 IR3, फिर बस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, V इज इक्वल टू इतना आ गया। इन तीनों का हमने टोटल इफेक्ट कितना मान लिया बेटा, हमने RS और V, अगर हम इन तीनों का इफेक्ट है और V की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा I, तो V इज इक्वल टू IRS, इसकी वैल्यू ऊपर पुट की तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अगर चार ऐसे बेटा जितने भी रेजिस्टर्स हैं तो RS जो आएगा कितना आएगा, R1 + R2 + R3 अगर चार होंगे तो + R4 + सो ऑन जितने भी आएंगे + RN, तो उन सभी का सम आता है। ठीक है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या रहता है बेटा, सेम होता है, समझ गए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहां पर करंट तो सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके, करंट सेम है तो V किसके डिपेंड करे, V जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर, और जो टोटल रेजिस्टेंस वो भी क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देखो बेटा जब R1 इतना है, R2 इतना है, तो यहां पर लेंथ क्या हो रही है, जब हम इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ रही है, तो बस जब लेंथ बढ़ेगी आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो नेचुरली जब लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, बढ़ गया, तभी तो RS इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। तो ये था बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर, अब हम करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं बेटा इन पैरेलल, कब बोलते हैं हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में, जैसे कैपेसिटर्स को तो कहा था कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू डिफरेंट पाथ, तो यहां पर भी वैसा बोल सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू डिफरेंट पाथ। ठीक है, और सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है और उतना ही होता है जितना अप्लाई किया होता है। तो हम यहां पर इस तरह से बोल सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज सेम। ठीक है, जो जितने भी रेजिस्टेंस अप्लाई किए उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सब में सेम होगा और उतना ही होगा, एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही होगा जितना हमने अप्लाई किया हुआ है। क्लियर, तो रेजिस्टेंसेज आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस या ईच ऑफ देम is same and is equal to the applied potential difference. Clear? Here resistance, मतलब as shown in diagram, here are resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. And V is the potential difference applied across the combination. तो देखो V A B के across कितना potential difference apply किया है? V with the help of battery E. तो देखो बेटा A B R1 B किसके across है? A B के across, R2 B A B के across, R3 B A B. तो यहां पर भी V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, और अप्लाई भी कितना किया V, तो समझ रही है तीनों के क्रॉस जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और उतना ही है जितना हमने अप्लाई किया है। क्लियर हो गया, लेट और मान लो जो टोटल करंट है, लेट I बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दो बेटा,
अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबके, आर वन के अक्रॉस भी वी है, आर टू के अक्रॉस भी वी, आर थ्री के अक्रॉस भी वी। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट, दे कैन ड्रॉ करंट अकॉर्डिंग टू दियर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता वी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आई आर, तो आई कितना आएगा वी अपॉन आर। वी तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, अगर रेजिस्टर आर वन होगा तो यहाँ पे आई वन लिखेंगे, अगर रेजिस्टेंस आर टू होगा तो यहाँ पर करंट आई टू होगा, अगर रेजिस्टेंस आर थ्री होगा तो यहाँ पर करंट भी आई थ्री। क्लियर? और जो टोटल करंट आएगा बेटा, लेट आई वन आई टू एंड आई थ्री बी द करंट फ्लोइंग थ्रू आर वन आर टू एंड आर थ्री, देन जो टोटल करंट है कितना आ जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, एंड हेयर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई वन कितना आएगा बेटा वी अपॉन आर वन, आई टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री वी अपॉन आर थ्री। इन वैल्यू को बेटा यहां पुट करो तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, सब में बेटा वी कॉमन आ जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, इक्वेशन नंबर टू। अब बेटा मान लो इन तीनों का कोई ना कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस उसको कितना मान लिया बेटा हमने आर पी, इफ आर पी इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, देन और मान लो अब आर पी कॉम्बिनेशन इज टोटल इफेक्ट है, तो अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कितना करंट फ्लो करना चाहिए टोटल आई, जितना इस सर्किट में फ्लो करें टोटल करंट आई। ठीक है, तो यहां से वी इज इक्वल टू आई आर पी, तो आई कितना आएगा वी अपॉन आर पी, देन वी इज इक्वल टू वी मतलब आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर।